इन दिनों ड्रग्स की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ड्रग्स के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 20 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण पांडे ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। दरअसल कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण पांडे को जानकारी मिली थी कि एक आरोपी NCL बायोलॉजी ग्राउंड में ड्रग्स सप्लाई करने पहुंचा है, जिसके बाद बेढन कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक उदय करिहार पुलिस फोर्स के साथ बायोलॉजी स्थित NCL बाउंड्री में पहुंचे, जहां मौके पर घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपी तस्कर मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कल रात्रि में कोतवाली पुलिस को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश कुमार शाह नाम का व्यक्ति बिलौजी NCL बाउंड्री में अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोइन लेकर के आने वाला है। इस पर एक विशेष टीम भेज करके वहां दबिश कराई गई और आरोपी को रंगे हाथ हेरोइन के साथ पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन कीमती करीबन 5 लाख रुपये की बरामद हुई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर हम वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। उसके विरुद्ध झंडी पुलिस एक्ट के विहित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके पहले भी क्या ऐसे कृत्य में लिप्त था? इसका NDPS का पहला मामला है, लेकिन हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि पहले भी संलिप्त रहा है कि नहीं रहा है, ये अनुसंधान कर विषय है और इस संबंध में भी अनुसंधान कर रहे हैं कि किस तौर से इसने हीरोइन को प्राप्त किया है। जिसके बाद बरामद हेरोइन को जब्त करते हुए आरोपी मुकेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। समाचार प्लस के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।